युवराज के विचार इस औषधि का Today I am just fainted and I've hurt my head and I'm fainted and I'm just resting and sleeping on the bed. No, I'm nothing to do today. So Raj Vaidya ji is treating me. My dad is coming and seeing me. My lover comes and just see me and goes back. So I'm lying on my bed alone. कोई है नहीं मेरे पास और इतने बड़े महल में सबने मुझे अकेला कर दिया है. अपना इलाज मैं खुद ढूंढ रहा हूँ. जड़ी बूटी ढूंढ कर लाया हूँ लेकिन उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. सो आई एम फाइनली वेटिंग फॉर तारा टू कम बैक. तारा ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है आपके पास ध्रुव के साथ सूटकेस के साथ. तो उसकी एक्साइटमेंट कितनी है बिकॉज ऑफ द कैमरा एंड यू नो व्हाट्स ऑल हैपनिंग. सो एक्साइटिंग के जब वो साथ में कंबाइन सीन होगा. राइट. तो वो आज तो नहीं है वो एक सीन बट बहुत ही अच्छा एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन लिख कर आया है जहाँ तारा वापस आती है और मुझे उससे नहीं मिलने दिया जाता है. वो सीन का मैं वेट कर रहा हूँ बिकॉज उसमें करने के लिए कुछ मिलेगा. मैं फाइनली बेड से उठूंगा भागूंगा दौड़ूंगा वो सब करूंगा. वो बहुत अच्छा सीन आया है. और तारा रिया के साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया हमारा इक्वेशन बहुत अच्छा है. हम दोनों बहुत मस्ती मजाक करते रहते हैं. सो हम वेटिंग कि वो आए और हम दोनों साथ में वापस शूट करना शुरू करें. और साथ ही अभी ना लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया कि शो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है क्या कि बस समय चक्कर के पास पहुंच गए दवाई लगाई भाई ठीक हो और डन. नहीं 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 शो खत्म नहीं होने वाला. आई डोंट नो मुझे कोई आइडिया नहीं है खत्म होने वाला नहीं बट आई थिंक अभी तो स्टोरी शुरू हुई है. ये चली गई 21st सेंचुरी में अपने लवर को ढूंढ लिया डॉक्टर को ढूंढ लिया पर यहाँ असली संकट तो यहाँ पर है. सारे विलेंस और वैम्प्स तो आपके इस एरा में है उधर तो कोई था ही नहीं. तो आई थिंक मेन ड्रामा मेन स्टोरी अब शुरू होगी. मतलब कि हम ग्रुप को भी इस सदी का हिस्सा बनते हुए देख सकते. बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनके आने के बाद तो फिर बड़ा ही अजीब सा कुछ होगा कि फ्यूचर से कोई आया है. अभी तक पास्ट से कोई गया था अब फ्यूचर से कोई आया है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये.